हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंटरनेट कनेक्शन के लेकर के। आपके पीसी में जो कि ब्रॉडबैंड हो या किसी भी तरीका के इंटरनेट चलाते हो, अगर आपका पीसी में किसी भी तरीका का प्रॉब्लम है या पीसी को अगर आप फॉर्मेट कर दिए, उसके बावजूद भी है जो कि आपका पीसी में जो कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप किस तरीके से जो कि ठीक कर सकते हैं, वो ब्रॉडबैंड हो या किसी भी तरीका के कनेक्शन हो। सिंपल है, जो कि दो तीन तरीका अपना सकते हैं, उससे जो कि वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तब आता है जब आपका सिस्टम अपडेट लेता है या आपका सिस्टम जो कि फॉर्मेट होता है, तब ये प्रॉब्लम आता है। अपडेट होता है तो होता क्या है कि जब तक आपका विंडो जो कि ओरिजिनल नहीं रहता, उस समय जो कि जब अपडेट लेता तो वो है जो कि नया नया जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि अपना अपडेट ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जो कि उसमें जो कि आपका प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इस तरीका का अगर रहा तो आप भी ये दो तीन तरीका अपना करके आप भी जो कि ठीक कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो कि हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ब्रॉडबैंड, और यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे जो कि हम लोग यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे। तो हम अपना यूजर आईडी डाल देते हैं और यहाँ पे नीचे में अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये मैसेज दे रहा है, यानी कि ये आपका नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू सेटअप चलाएंगे न्यू कनेक्शन के लिए। यहाँ पे यस करेंगे ब्रॉडबैंड, और यहाँ पे जो कि अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग रिमेम्बर अलाउ और यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि 720 का एरर अभी भी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ से जो कि हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट विंडो में, और यहाँ पे जो कि हम लोग CMD कमांड हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो कि हम लोग कुछ यहाँ पे जो कि कोड है जो क्लिक करके रखे हुए हैं, तो ये जो कि आपको टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ ला करके हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि इसके मदद से भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से नहीं हुआ तो आप सेकेंड तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमको नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो कि ये सेटअप चलाने के बाद जो कि हम लोग इसको जो कि यहाँ से बंद कर दिए हैं, इसको यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ से फिर से हम लोग, और इसको जो कि यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से जो कि सेटअप नया से हम लोग चलाएंगे, उससे पहले जो कि हम लोग इसको ये सबको बंद कर देते हैं। हम लोग माई कंप्यूटर पहले खोलेंगे। माई कंप्यूटर खोलने के बाद यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर, यहाँ पे मैनेज पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो कि हम लोग डिवाइस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग डिवाइस मैनेज पे। यहाँ पे आने के बाद हम नेटवर्क में, और यहाँ पे जो कि जितना भी हम लोग का यहाँ पे है, जो हम मेरा डीलिंक है, डीलिंक छोड़ करके जितना भी नेटवर्क शो कर रहा है, सभी को जो कि यहाँ से हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे। पहले लगातार इसी तरीके से सभी को जो कि हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद जो कि एक बार रीस्टार्ट हम लोग करेंगे, तो सब फटाफट जो कि सबको हम लोग पहले अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो कि लास्ट है, इसको जो कि यहाँ से हम लोग अनइंस्टॉल कर दिए हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद इसको डीलिंक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से आने के बाद जो कि हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आने के बाद जो कि मैनेज में आएंगे। मैनेज में आने के बाद यहाँ पर जो कि फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे डिवाइस मैनेज में, और यहाँ पे आने के बाद जो कि नेटवर्क में आएंगे, तो ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक फिर से आ गया। रीस्टार्ट करते हैं, ये सारा यहाँ पे कनेक्टर आ गया। अब यहाँ पे कनेक्शन आने के बाद जो कि हम लोग फिर से ब्रॉडबैंड में आएंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग पे डायलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कि सेटअप नाउ पे करेंगे, यहाँ पे नया कनेक्शन लेंगे, और यहाँ पे ब्रॉडबैंड, और यहाँ पे जो कि हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यूजर आईडी डाल लेते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेंगे, और यहाँ से जो कि रिमेम्बर अलाउ, और यहाँ से कनेक्शन। तो ये देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है, यानी कि हम लोग का काम 100% काम कर गया। ठीक है, अब यहाँ से जो कि हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं कि अपना वो वाला जो नेट है मेरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल वाला जो डीलिंक के थ्रू चला रहे थे, और ये जो कि यहाँ पे कनेक्शन ले लिया है, यानी कि मेरा अब नेट प्रॉपर काम करने लगा है। तो अगर आपको इस तरीके से रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हम लोग क्लोज करते हैं, और ये देख सकते हैं नीचे में ऑप्शन आ गया है, और यहाँ से जो कि ये सब का हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ये सब का कोई काम नहीं है। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। अब तो ये जो कि मेरा नेट है जो कि 100% वर्क कर रहा है। तो आप भी जो कि इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो कि अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप भी जो कि ठीक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी, आई होप आपको वीडियो से लाइक कीजिएगा, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरीके अभी आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे जाइए। ठीक है।